विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग विटामिन सी का यूज़ करते हैं तो स्किन से डार्क स्पॉट दूर रहते हैं, पिगमेंटेशन दूर रहती है, स्किन ग्लोइंग रहती है, फेयर बनी रहती है और स्किन से किसी भी तरह की प्रॉब्लम दूर रहती है। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ 3 सिंपल स्टेप जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे विटामिन सी को अपनी स्किन के लिए। मैं आपको बताऊंगी आपको विटामिन सी को कैसे अपनी स्किन के लिए यूज़ करना है कि आपकी स्किन ब्राइटन हो, लाइटन हो, डार्क स्पॉट वगैरह दूर हो जाए, किसी भी तरह की पिगमेंटेशन दूर हो जाए और स्किन बिल्कुल फेयर और ग्लोइंग बन जाए। जानना चाहते हैं कैसे ये सारी चीज़ें होंगी तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। सबसे पहले हम लोग अपने फेस को क्लेंस करेंगे। इस क्लेंजिंग मेथड के साथ साथ आप इसमें तो फेस को क्लेंज भी करेंगे, साथ साथ आप अपने फेस को एक्सफोलिएट भी करेंगे ताकि जो हम लोग आगे स्टेप करें उसके लिए हमारी स्किन प्रिपेयर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग पहले क्लेंजर बनाना देख लेते हैं। क्लेंजर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए ऑरेंज। ऑरेंज का पील हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज नहीं हो तो आप ऑरेंज पील पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑरेंज का जो फ्रेश पील होता है जब हम लोग उसे ग्रेट करके यूज़ करते हैं उसमें से ऑयल रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, नेचुरल ऑरेंज ऑयल। सो इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट कर लिया मैंने। अब एक बाउल में ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्रेटेड ऑरेंज पील। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए 1 टीस्पून शुगर। शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करता है और ब्राइटन अप करता है। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कर्ड यानी कि दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है और स्किन को बेहद ब्राइटन और वाइटन करने में हेल्प करता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये क्लेंज़र बनके रेडी है। सो क्लेंज़र बनाना आपने देख लिया। इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। सिंपली अप्लाई करके अच्छे से मसाज करना है, इससे कि जो ऑरेंज की गुडनेस है, इसमें विटामिन सी की जो गुडनेस है ऑरेंज की, वो आपके फेस पे आए और आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो, क्लियर हो और सारी की सारी गंदगी भी इससे रिमूव हो जाए। एक बार अच्छे से मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग। जब भी हम लोग अपने फेस को क्लेंस करते हैं उसके बाद अपने फेस को टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है अपने फेस पे। तो टोनर भी विटामिन सी हो तो बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ एक और इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, वो होता है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, स्किन को सॉफ्ट सपल बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। साथ साथ विटामिन सी अगर हम लोग यूज़ करें तो हमारी स्किन के डार्क स्पॉट जाते हैं, पिगमेंटेशन जाती है, स्किन ग्लोइंग बनती है। तो मैं टोनर के लिए यूज़ कर रही हूँ ये प्रोडक्ट। ये है ऑर्गेनिक नेत्रा का रोज़ वाटर और ये एक लौता रोज़ वाटर है आज तक जो मैंने देखा है उसमें, जिसमें कि विटामिन सी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, विटामिन सी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने रोज़ वाटर में। ये रेडीमेड रोज़ वाटर मिस्ट है जो कि आपके फेस को पीएच बैलेंस को तो मेंटेन करेगा ही, साथ साथ अल्कोहल फ्री भी है, किसी भी तरह का हार्श केमिकल इसमें नहीं है। तो ये बहुत ही बेस्ट है, मतलब बहुत ही बेस्ट, 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है और मैंने यूज़ किया तो मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। फेस को टोन करने के बाद आपको इसको अच्छे से अपने फेस पे स्प्लैश कर देना है जैसे हम लोग टोनर यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग आपके स्किन पे वर्क करेगा। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें रोज़ वाटर के साथ साथ विटामिन सी है जो कि हमारी स्किन को डे टू डे लाइफ में चाहिए ही होता है। तो टोनर यूज़ करने के बाद अब हम लोग एक क्रीम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे ताकि हमारे फेस को वो ग्लोइंग बनाए रखे, यूथफुल बनाए रखे और हमारे फेस पे किसी भी तरह के दाग धब्बे उससे ना हो। तो क्रीम को बनाना देख लेते हैं। क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल ऑर्गेनिक नेत्रा का। इसमें विटामिन सी और ई प्रेजेंट है जो कि हमारी क्रीम को बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगी, हमारी क्रीम को विटामिन सी क्रीम बना देगी और स्किन को बेहद ब्राइटन करेगी ये क्रीम। 1 टीस्पून मैंने लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वीट आलमंड ऑयल 1/2 टीस्पून। नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन 1/2 टीस्पून, क्योंकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है, स्किन को हाइड्रेट करेगी, मॉइस्चराइज रखेगी।
लास्ट में हम लोग इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर ऑर्गेनिक नेत्रा का, जिसमें कि विटामिन सी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो हम लोगों ने रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल यूज़ करा है, इस वजह से ये क्रीम विटामिन सी क्रीम बन जाएगी। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये क्रीम यूज़ करने के लिए रेडी है। इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है और ये आपके यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो क्रीम बनाना देख लिया, बहुत ही अमेजिंग क्रीम है ये, विटामिन सी से भरपूर। रोज़ वाटर है इसमें, विटामिन सी है, एलोवेरा जेल है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन को लाइटन करते हैं, ब्राइटन करते हैं। तो सिंपली आपको अपने फेस को टोन करने के बाद इस क्रीम को अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे। अच्छे से अप्लाई करके इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। जो क्लेंजर मैंने आपको बताया उसे आपको वीक में 3 बार यूज़ करना है, डेली यूज़ नहीं करना है। लेकिन ये रोज़ वाटर मिस्ट और क्रीम ये आपको डेली यूज़ करनी है। तो अगर आप ऑर्गेनिक नेत्रा के प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्योर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही नेचुरल हैं और बहुत ही अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। इस रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं एंड आपकी स्किन के मोस्ट ऑफ द इश्यूज इन दो प्रोडक्ट को यूज़ करके चले जाएंगे। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फीडबैक ज़रूर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।